أشرك من قبل الفتح وقال أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमामी अहबाब एक मरतबा नबी आले नबी और असहाब नबी पर दूर साहब के नजराने पर पेश कीजिए अल्लाह सभी आला से कि ना मौलाना वो हक दिन की आदत कुल दार व दवा की बदार मसल अस्सलाम व सलाम अलैक या सिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या सिदी या हबीब अल्लाह आवाज बुलंद होते बार पढ़िए सलाम व सलाम अलैका या सिदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिक व असहाबिक या सिदी या शफीअल मुर्सलीन। रजब रजब के बाबरकत महीने को जहाँ मैंने आपसे अर्ज किया था बहुत सारी किस्मतें हासिल हैं, वही इस महीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज की किस्मत भी हासिल है और उसके साथ साथ इस महीने में सहाबी रसूल हज़रत सिद्दीक़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना का यौमे विसाल भी है। 22 रजब अल रजब को जनाब सिद्दीक़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना का विसाल हुआ, यानी आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत सिद्दीक़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा व अन्ना के हवाले से बहुत सारे लोग शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं और आपकी ज़ात बाबरकात पर अजीब व गरीब किस्म की ताब व तशरीह करते हैं और आप ज़ात पर तंज़ करते हैं, तो ये बात याद रखिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथी। आप अलैहिस्सलाम को देख कर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा और उस कलमे पर कायम रहा उन लोगों में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना भी शामिल हैं। अगरचे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना के कुछ मामला जनाबे मौला कायनात मौलानी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ हुए, मैंने गुज़िश्ता से गुज़िश्ता दर्स में ये बात अर्ज़ की थी कि हमें किसी ने शरीयत मुतहरा ने बिलखुसूस किताब मजीद है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत इस बात की इजाज़त नहीं थी कि हम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की वकालत करें। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर सहाबी का अदब करेंगे, हर सहाबी का एहतराम करेंगे, हर सहाबी की इज्जत करेंगे। सहाबाए किराम के आपस के जो मामला हैं अगर उसको घोड़ने बैठेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम हमारे सामने ऐसे आएंगे कि फिर हम उस पर जो जुमले हम दीगर सहाबा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो बड़े बड़े जुमले हैं, हमें बड़े और अजीम सहाबाए किराम के लिए भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं उसकी आपको एक मिसाल दे दूँ कि हज़रत मौलाए कायनात मौलानी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, आज की बात बड़ी अहमियत की हामिल है। हज़रत मौलाए कायनात मौलानी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत अब्बास इन दोनों के दरमियान जो हज़रत मौलाए कायनात मौलानी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के चचा है, इन दोनों के दरमियान नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त बड़े सख्त किस्म की तख्त कलामी। अब अगर हम किसी सहाबी की वकालत करने बैठ जाएंगे तो फिर उम्मत मुस्लिमा हम ये कहेंगे कि जी एक गिरोह हज़रत अब्बास के साथ हो जाए और एक गिरोह हज़रत मौलाए कायनात मौलानी करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ हो जाए तो फिर उम्मत मुस्लिमा का शिराज़ा बिखर जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे बुजुर्गों जो बुनियादें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के आपस के मामलात में या आपस के मुशायरात जिसको हम अपनी जबान में झगड़ा कहते हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए वो लफ्ज झगड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो मुशायरात का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो सहाबा के आपस में जो मुशायरात उसमें हमें सुलहाए उम्मत की औलियाए उम्मत की
یہ تعلیم رہی کہ ہماری امت کے اولیاء نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کے امین، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے امین، کتاب مجید کے کامل اور اکمل عامل، قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر عمل کرنے والے، راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو راضی پر رضا، اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے، وہ امت کے اولیاء کرام نے جو ہمارے لیے جو رستہ انتخاب کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ امت اسی وقت سیدھے رستے پر رہے گی جب یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس درس کو نہیں بھولے گی کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تمہیں انعام کیا. اب جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان میں بڑے بڑے اولیاء کرام، انہوں نے جس چیز کو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنایا اور ایک قانون اور ایک قاعدہ بنایا، اپنے اولیاء کرام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، نہ کہ ہم خود صحابہ کرام رضوان اللہ کرانی اجمعین کی وکالت یا ان کی طرف سے جج بن کر بیٹھے دیتے ہیں. یہ معاملہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے. جو صحابہ کرام کے معاملے جو بھی معاملات ہوئے ہم وہ معاملہ اللہ جل جلالہ عبد القیم پر چھوڑ دیں گے کہ اللہ چاہے اس کا رسول چاہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ کرانی اجمعین چاہے. چونکہ یہ معاملہ بڑوں کا ہے، دونوں طرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ہے، دونوں نبی پاک کے صحابی ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کی صحابیت کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں کی قدر و منزلت کو ختم نہیں کریں گے، ہم دونوں کا احترام کریں گے. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، اس قاعدے کو بات کریے گا. دوسری بات، بڑی آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، آپ علیہ السلام کی معیت، صحبت سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنا، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے صحبت رسول کہ پوری کائنات کے روحانی مقامات اگر جمع کیے جائیں اور یہ کرام کے جتنے بھی مقامات ہیں روحانی سارے جمع کیے جائیں، نقبا ہے، عرفا ہے، عارف ہے، سالک ہے، واصل ہے، ندیم ہے، اور اسی طریقے سے واصل بلّہ ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، ابواز ہے، غوثِ اعظم ہے، سب سے بڑا مرتبہ ولایت کے اندر غوثِ اعظم کا ہے. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جو ولایت کا مقام غوثِ اعظم کا، وہ ولایت کا مرتبہ بھی اگر اس کو بھی صحابیت کے ساتھ جوڑا جائے، لمحے بھر کی صحبت رسول کے ساتھ، لمحے بھر کی صحبت رسول کے ساتھ اگر اس بڑے سے بڑے مقام ولایت کو جس کو غوثِ اعظم کا مرتبہ کہا جاتا ہے اگر اس کو جوڑا جائے تو کہا کہ وہ بڑے سے بڑا مقام جو غوثِ اعظم کا مقام ہے وہ صحابی کی لمحے بھر کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحبت ہے اس صحبت سے بڑا مقام وہ نہیں ہو سکتا جتنی صحبت نبی پاک کی صحابی کو لمحے بھر کی نبی پاک کی ملی، اس صحبت کا مقام جتنا بڑا ہے غوثِ اعظم کا مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. امت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اکثر میں ان کا حوالہ دیتا ہوں، امام ربانی مجدد الرسانی شیخ احمد سرندی، مکتوبات امام ربانی، یہ وہ امام ربانی ہے. میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مرید خلیفہ اور آپ کے شاگرد علامہ بدر الدین احمد سرندی صرف ایک رات کو آپ کی سجدہ گاہ کی جو پیون تھی اس پیون کو دھونے کے لیے گھر لے کر گئے اور اس کو جاتے ہوئے اپنے امامے میں رکھا، رات کو اس گوڑ پیمت کو اپنے امامے سے نکالنا بھول گئے اور امامے کو بھی اتارنا بھول گئے، تھکن کا زیادہ احساس تھا کہ لگائی نیند لگ گئی، نیند آ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوگی، پھر دوبارہ آنکھ لگی پھر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوگی، پھر دوبارہ اس طرح سے بارہ، اس طرح رات میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے آپ
मुशर्रफ हुए और आपने ये नतीजा निकाला, ये कमाल इमाम रब्बानी की सजदा गाह की उस पैगंबर का है जो मैंने अपने इमामे के अंदर जिसको रख दिया था, जब तक वो सरकार इमाम रब्बानी की सजदा गाह की पैगंबर मेरे इमामे के अंदर रहती, मैं रोजाना अपने हद की ध्यान करता रहता। ये वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद-ए-निसानी शेख अहमद फरदी के जिनकी सजदागाह की पैगंबर नबी की ज़ियारत करा देती है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद-ए-निसानी शेख अहमद फरदी कहते हैं कि वाशी बिन हर जिसने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दामा को शहीद किया था, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद जाए जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मुसलमान हुए तो फिर सहाबी हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनको इतनी सी सोबत मिली कि बात है इमाम रब्बानी की जिद पर इसका मकतूब नंबर 66 है, इतनी सी सोबत मिली, आए कलमा पढ़ा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मेरा ईमान कबूल है। बड़ी तवज्जो सुनिएगा, आए कलमा पढ़ा, अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरा ईमान कबूल है। नबी पाक ने सिर्फ सलाम ने फरमाया हां तुम्हारा ईमान कबूल है। उसके बाद नबी पाक ने सिर्फ सलाम ने एक जुमला कहा, इरशाद फरमाया कि मेरे सामने ना आया करो, तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने चचा हमजा याद आ जाते हैं। इतनी सी सोबत, अब जरा गौर कीजिएगा, आए बैठे कलमा पढ़ा, ये जुमला दोहराया क्या मेरा ईमान कबूल है। इसके बाद सारी जिंदगी हजरत वाशी बिन हर वक्त कितना लगा, एक मिनट लगा ये जुमला कहने में, ये पूरे प्रोसेस के अंदर एक मिनट लगा। इतनी सी सोबत हजरत वाशी बिन हर को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिली, फिर सारी जिंदगी के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नहीं आए। इमाम रब्बानी का मक्तूबात शरीफ में पहली जिल्द में लिखते फरमाते हैं कि ये इतनी सी सोबत है रसूल वाशी बिन हर की खैर तबीईन हजरत उमर से करनी, जिससे बड़ा कोई आशिक रसूल तबीईन के अंदर किसी मां ने पैदा नहीं किया। कहा ये इतनी सी सोबत रसूल वाशी बिन हर की खैर तबीईन उमर से करनी के सारे मकाम से भारी है। फिर आगे चल के इमाम रब्बानी बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाते हैं, आपको मसला समझ आ रहा है, इतनी सी सोबत रसूल, यार हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो मट्टी का जर्रा भी नबी के पांव मुबारक के साथ लगी हुई जूती मुबारक के साथ उसके साथ जो मट्टी का जर्रा लग जाए वो भी हमारी आंखों का सुरमा ऐसा ठुकरा दे। हम वो लोग हैं। आगे इमाम रब्बानी साहब फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को किस से रूह से पूछा कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दामा अफसर है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफसर, हजरत अमीर मुआविया अफसर है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफसर है। यहां पर इमाम रब्बानी ने इरशाद फरमाया कि बात सुन, वो तू कैसा सवाल कर बैठा है, हजरत अमीर मुआविया ने जो लम्हे भर के लिए रसूलुल्लाह की सोबत पाई और रसूलुल्लाह की सोबत में रसूलुल्लाह के साथ अपने घोड़े पर बैठकर रसूलुल्लाह के साथ जो थोड़ी देर के लिए सफर किया, जरा आगे कि रसूलुल्लाह अपने घोड़े पर थे, हजरत अमीर मुआविया अपने घोड़े पर थे, कहा इतनी देर के लिए जो सोबत पाई उस वक्त जो हजरत अमीर मुआविया के घोड़े के नथनों के अंदर जो मट्टी के जर्रात है वो मट्टी के जर्रात भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। कमाल किसका सारा सोबत रसूल का है, बात करना आसान है। और फिर उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा का हवाला सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हम सबके इमाम है कि नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
के साथ सहाबाए किराम इमाम अली अलैहि अजमाईन में से किसी ने अगर एक लम्हा भी गुजारा, हमारी जिंदगियां अगर लाखों साल की हो जाए और हम उन लाखों साल की जिंदगियों में रातों को सजदे करें, पूरी रात सजदों में गुजारे और दिन को रोजे रखें और मैदान जिहाद में कुफार से जिहाद करें, अपने घोड़े की पीठ पर पूरा दिन गुजारे और सारी रात हम मुसल्ले पर गुजारे और पूरी पूरी रात रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपने रब को राजी करने की कोशिश करते रहे, कहा हमारे लाखों साल की वो जिंदगियां जो पूरी पूरी रात रब की इबादत में गुजरी और पूरा पूरा दिन रोजा रखकर जिहाद करके गुजरी, उन जिंदगियों का इतना सवाल नहीं है जितना सहाबी के एक लम्हे का रसूलुल्लाह के साथ गुजारने का सवाल है। मुझे बताइए क्या हजरत इब्न माबिया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नहीं पाई। हदीस में आता है हजरत इब्न माबिया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने नबी पाक की कामिल दो साल सोबत पाई है। सुभान अल्लाह, दो साल कामिल हजरत इब्न माबिया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा नबी पाक की सोबत में रहे। मैं यहां पर सवाल करने में हाथ बचाने दू, जब साबी का एक लम्हा हमारी लाखों साल की वो जिंदगी जो रात को सस्ते में गुजरी और दिन को रोजा रखकर मैदान जिहाद में गुजरी, जब साबी का एक लम्हा हमारी उस जिंदगी से अफजल है तो अमीर माफिया के दो साल जो है रसूलुल्लाह के साथ गुजारे वो हमसे कितने ज्यादा अफजल होंगे। आपको किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया, मुझे किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया। नीम रफ़ज़ी मुल्ला हजरत इब्ने माफिया पर जवाने ताक दराज करते हैं कि जी हजरत इब्ने माफिया ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात आपसे और भी आज कर दूँ, आपने हुजूर शेख इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियाबी साहब का नाम सुना है? शेख इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियाबी साहब नबी पाक की बारगाह आलिया का मंजूर नजर, मेरे घोड़े के ताजदार रईसुल मुजद्दीदीन हुजूर सैयदुना व सनदुना पीर मेरे अली शाह साहब के पीर खानदान का चश्म चरा। पीर मेरे अली शाह साहब के जो पीर थे ना उस खानदान के चश्मों चला गए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियाबी साहब वो इरशाद फरमाते थे कि वाकई रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के बारे में जितनी भी गलत रिवायतें खड़ी हुई है इनकी कोई भी हकीकत नहीं, ये सब झूठी है, इनका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियाबी साहब फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के रावियों की रिवायतें नहीं है, ये शिया रावियों ने अहले सुन्नत की किताबों के अंदर अपनी रिवायतें डालकर साबी का मकाम और मर्तबा कम करने के लिए सुन्नियों के दिल से साबी के मकाम को घटाने के लिए ये रिवायतें कही है। हम झूठी रिवायतों को नहीं देखेंगे, हम नबी पाक की निस्बत को देखेंगे। जो ये कहते हैं
तेरी नस्ले बाद में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर इमाम अहमद जफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खबरदार खबरदार किसी भी साबी के खिलाफ किसी को जबाने तान दराज करते हुए देखो, चाहे वो हजरत अबी माकियो, चाहे वो अमर बिन आस हो, चाहे वो तलहा बिन उबैदुल्लाह हो। आपने शाह फरमाया पता शरीफ की जिल्द नंबर 29 के अंदर फरमाया उस आदमी का अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने शाह फरमाया उस आदमी का अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بی عدد کل دائے و دوائے بارے وسلم آل حضرت سے زیادہ یہ لوگ محبان آئے بیت جو لوگ حضرت میں واقعی پر زبانے تان دراز کرتے ہیں کیا یہ آل حضرت سے زیادہ محبان آئے بیت کیا یہ آل حضرت سے زیادہ محبان آئے بیت آل حضرت نے فرمایا خبردار کسی کو بھی کسی صحابی پر زبانے تان دراز کرتے ہوئے سنو تو کہا کہ سمجھ جاؤ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق وہ نیم رافضی وہ رافضی نیم رافضی آپ نے بولا وہ رافضی ہے وہ سنی نہیں ہے ہم نسبتوں کا پاس رکھنے والے لوگ ہیں ہم نے نسبت کا پاس رکھنا ہے حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہو گئی بس ہم نے اس نسبت کو دیکھنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں دیکھتے ہم آپ کے وہ غلام ہیں جو آپ کے پاؤں کے ساتھ لگی جوتی کے ساتھ جوتی مبارک کے ساتھ لگے ہوئے مٹی کے زہر کی بھی قدر کرتے ہیں تو جب کوئی مسلمان حضرت ابن معاویہ کی صورت میں صحابی بن کے آپ کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ بھی ہماری آنکھوں کا تاج ہوگا ہمارے سر کا تاج ہوگا لہذا یہ رافضیت کی بھو اپنے اندر سے نکالو اس کو نکال کے باہر دیکھو میں آپ کو نہیں کہہ رہا بہت سارے لوگ چونکہ ان باتوں کو سنتے ہیں تو اس کو اپنے اندر سے باہر نکالو یہ اہل سنت کا مزاج نہیں اہل سنت اس مزاج پر نہ تھے نہ ہے نہ رہیں گے کبھی اہل سنت اہل سنت و جماعت مسلک اعتدال کا نام مسلک اعتدال سے مراد یہ کہ ہم درمیان رستے میں رہتے ہیں ہم نہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کے بدل کریم یہ آپ کو بتا میں اکثر عرض کر چکا ہوں کہ محبت ہم علی سے کرتے معشوق ہمارا علی ہے صحابہ کتاب کو فرض ہوگی دیئے
जिल्द नंबर दो है, सफर नंबर इसका 65 है। इमाम हसन ने जमा अल हसन रुसा अल इयाद फी हाद अल कसर कसर मदाय فقال انكم قد بايعتموني على ان تصالحوا من صالحت وتحاربوا من حاربت واني قد يا قد بايعت معاويه فاسمعوا له واطيعوا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتا ہوں نا ان صحابہ بھی تبیین صحابہ بڑی مضبوط کتاب ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں بات سنو آپ نے بدائے کے اندر ایک بیل کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا और जमा करके इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वरता उन्होंने इरशाद फरमाया लोगों बात सुनो बड़े बड़े रुआसा बड़े बड़े सरदार थे आपने बताया तुम लोगों ने मेरी बैत की थी इस शर्त पर कि जिससे मैं सुलह करूंगा उससे सुलह करोगे जिससे मैं लड़ूंगा उससे लड़ोगे। इमाम हसन ने कहा क्या ये जुमले दोहराओ। इमाम हसन ने कहा अपना जिससे मैं सुलह करूंगा उससे सुलह करोगे जिससे मैं लड़ूंगा उससे लड़ोगे। इमाम हसन ने कहा सुनो मैंने मेरे मामिया से सुलह कर ली है। इमाम हसन ने कहा सुनो क्या एक नारे लिख लाना है तेरी नारे है तेरी। इमाम हसन ने कहा मैंने मेरे मामिया से सुलह कर ली है तुम सब भी मैंने उनकी बैत भी कर ली है तुम सब भी अमीरे मामिया से सुलह कर लो और उनकी बैत कर लो और उनकी इदार करने लग जाओ। इमाम हसन का फैसला भी नहीं मानेंगे। इमाम हसन जज है या बेहर आप जज है। इमाम हसन ने फैसला कर दिया आपने फरमाया मैंने हजरत अमीरे मामिया से सुलह कर ली तो बस अब इमाम हसन ने सुलह कर ली है। अब यहाँ पर आखिरी बात अर्ज कर दूं आप तो भी वक्त खत्म हो गया हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला वर्दा वन्ना के दौरे खिलाफत के अंदर आप ये देखिए कि हजरत अमीर मुआविया का दौरे खिलाफत कैसा था आपका दौरे अमारत कैसा था। हम हजरत अमीर मुआविया को खलीफा राशिद नहीं मानते ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको बादशाह मानते हैं क्योंकि खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुव्वा इमाम हसन पर खत्म हो गई। नबी पाक ने फरमाया अल खिलाफत मिन बाद की सलात का सलाम मेरे बाद खिलाफत और रहमत 30 साल चलेगी। इमाम हसन ने जिस दिन खिलाफत यानी अमारत हजरत अमीर मुआविया को सौंपी उसी दिन नबी पाक की बशारत पूरी हुई और खिलाफत राशिदा के 30 साल पूरे हो गए उसी दिन 30 साल पूरे। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा वन्ना का दौरे अमानत कैसा था आपकी बादशाह कैसी। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा वन्ना के दौरे अमानत के बारे में अब बकर बिन खलाल अपनी किताब अस-सुन्ना ली अबी बकर बिन खलाल के अंदर लिखते हैं रिवायत नंबर 683 है और बिल्कुल सही सनद के साथ ये रिवायत सही सनद के साथ ये रिवायत है कि वो कहते हैं आमिला मुआविया तो बिसीरती उमर बिन खत्ताब वले सुभान अल्लाह आमिला मुआविया तो बिसीरती उमर बिन खत्ताब बिसीरीना ला यखरिम मिनहा शैया। वो कहते हैं हजरत मेरे मुआविया का दौरे अमारत ऐसा था जैसा हजरत उमर फारूक का दौर था। नारा लगा इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला वर्दा वन्ना तारीख अल खुलाफा में इमाम जलालुद्दीन सूती साहब की रहमत अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कहते हैं अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला वर्दा वन्ना ने 60 से ज्यादा बेरी बेड़े बनाए। बोलो ना सुभान अल्लाह 60 से ज्यादा बेरी बेड़े बनाए और आप वो पहले बादशाह थे जिन्होंने बेरी बेड़े बनाए इससे पहले किसी भी खलीफा ने बेरी बेरी बेड़े नहीं बनाए। 60 से ज्यादा बेरी बेड़े बनाए
वरना के दौरे खिलाफत के अंदर हजरत उमर फारूक के दौर की याद कैसे ताजा हुई? कहा के रखज के कई ममालिक सदिस्तान फदान कोर सोडान काकान कोहिस्तान अफ्रीका जुनूबी अफ्रीका शुमाली अफ्रीका मशरकी अफ्रीका अफ्रीका के कई ममालिक तकरीबन आधी दुनिया पर हजरत अमीर मुआविया ने जिहाद करके कब्जा किया। इतना बड़ा काम किया हजरत अमीर मुआविया ने। अब यहां पर आखिर में ये बात अर्ज कर दूं, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अब बढ़िया बड़ा काम मोड़ आ गया। जो भी मेरे मौला के बिल मुकाबिल आए, हम सब के मौला है। हमारे मौला कौन? मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मेरे मौला हैदर कर्रार, खैबर शिकर, उनके मुकाबिल जो भी आए, आमर इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिद इलियत हाजरा वसाबिका साहिबुल हुज्जत अल काहिरा अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि जो भी हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाह कला वजह करीम के फिर मुकाबिल आए, हक बदस्ते हैदर कर्रार, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाया फरके बनाते बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, हजरत मुआविया भी हमारे सरदार, दान उन पर करना कार फुजार, उन पर दान तस्की करना ये फुजार का फासिकों का तरीका है, अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, फाजिरों का तरीका है। अहले सुन्नत का तरीका क्या है? हजरत ने इरशाद फरमाया बताया जी के अंदर, आपने इरशाद फरमाया 29वीं जिल्द के अंदर, आपने इरशाद फरमाया फरमाया कि ना हमने मौला अली की मोहब्बत में आकर हजरत अमीर मुआविया का दान तस्वीर करना है, कहा जो मौला अली की मोहब्बत में आकर अमीर मुआविया को तानो तस्वीर करता है मुनाफी है, लगाओ ना है नारा है सुन्नत का मानस ये है कि अली की मोहब्बत में आकर अमीर मुआविया पर जो तानो तस्वीर करता है मुनाफी है, और अमीर मुआविया की साइड लेकर जो अली की तानो तस्वीर करता है वो खाजी है। आपने फरमाया ना हम खाजी हैं ना हम राफजी है, हम सुन्नी है, हम दोनों की इज्जत करते हैं, दोनों की कदर करते हैं। अब सबसे आखिरी बात आप कहने के आला हजरत ने मसला सही नहीं किया, ये अहमद रजा खान है, ये अहले सुन्नत का इमाम है, ये मसला जड़ तक काम करता है। आपने फरमाया हजरत ने तस्वीर के अंदर फतावा शरीफ के अंदर इशारा फरमाया, आपने फरमाया बात अगर मौला अली की और हजरत अमीर मुआविया की, हजरत मुआविया की फरमाया अगर मौला अली के और हजरत मुआविया के दर्जात की बात करो मराते की बात करो तो मौला अली सातवें आसमान से भी ऊपर, मौला अली सातवें आसमान से भी ऊपर और हजरत मुआविया जमीन पर, इतने से आपने फरमाया इससे भी ज्यादा फर्क है। किसने कहा? मेरे इमाम अहमद रजा खान ने कहा, लेकिन दूसरी जगह इरशाद फरमाया अगर बात हजरत मुआविया की और हमारी हो, मसला हल करता ना मेरे इमाम, घर तक छोड़ के आते हैं कि नहीं आता, और मैं बात अली की और मुआविया की हो तो अली सातों आसमानों से ऊपर और मुआविया जमीन पर, और अगर बात हमारी और मुआविया तो हजरत मुआविया सातों आसमान से ऊपर और जमीन पर। अब समझ आया मसला क्या है? तो तुम्हें नहीं बराबर सी मुल्लाओं
तुम्हें किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया कि तुम वकालत करते फिरो। हम अहले सुन्नत वल जमाअ हम हजरत अमीर मुआविया की साहबियत का भी पास रखेंगे और रखेंगे इंशाअल्लाह। हम मौला कायनात की निस्बत रसूली का भी पास रखेंगे। वाहिद दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।